आपको माला में श्री भरत लाल दिख रहे हैं, पर मैं तो इसे शबरी माई ही कहूंगा। हमें अपनी जमीन 200 टके से कम में बेचनी भी नहीं है। 200 टके में मुझे ये सौदा मंजूर। श्री गाँव की हदबंदी के भीतर कैसे भी जमीन का सौदा कुलकर्णी बाबू की आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकता है। नारू और काका को शिरडी का कानून तोड़ने के अपराध में बंदी बना दो और तब तक पीटते रहो जब तक इनको ये बात समझ में नहीं आए कि हम कौन होते हैं। छबराओ, ये टक्के भी खजाने में जमा करवा दो। पुलिस पाटिल भाऊ, मेरी बात तो सुनो। कबस चुप। अब कुछ कहने और सुनने का समय नहीं है। अब जो कुछ भी कहना है वो कूपर गांव चलकर साहब बहादुर के दरबार में कहना। ए, चलो रे। नट्टू, इन दोनों को अपने साथ हवालात ले जा। कल इन्हें कोपर गांव लेकर चलेंगे। ठीक है। ए, चलो। कुलकर्णी भाऊ, वो टके मेरे हैं। तब तो तूने भी कानून तोड़ा है चांद पाटिल। परदेसी नहीं होते तो नारू और काका के साथ तुम्हें भी हवालात भिजवा देता। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बाबा ने मुझे गुस्सा करने से मना किया है। क्या रे सरफुदीन, मन ही मन मुझे गालियां दे रहा है। साहस है तो मुंह खोल कर दिखा। आज तेरी इन आंखों को फोड़ कर फिर से अंधा ना बना दिया तो मेरा नाम भी पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ नहीं। साईं बाबा के खौफ से डरो कुलकर्णी भाऊ। अगर बाबा को पता चला कि तुम उनके मुरीदों को परेशान कर रहे हो तो बाबा तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बाबा नहीं बोलने का, बाबा नहीं बोलने का। उस टोंगी पाखंडी को बाबा नहीं बोलने का। सफुद्दीन, डरना तो उसे मेरे क्रोध से चाहिए। कुलकर्णी भाऊ, आप बाबा की ताकत को पहचान क्यों नहीं पा रहे हो? जिसे तुम ताकत समझते हो चांद पाटिल, वो ताकत नहीं जादू टोना है, यंत्र मंत्र है। वो फरेबी फकीर वशीकरण की विद्या से तुम सबको मूर्ख बना सकता है, लेकिन पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ को नहीं। मेरी आंखों की रोशनी वशीकरण की ताकत है। मौत जैसे तूफान को रोकना जादू टोना है। गलिया नाग वाले उस कुएं में कूदना जंतर मंत्र है। जमीन के अंदर से 4 जलते हुए दिए निकलना आंखों का धोखा है। अरे अपने आप को धोखा मत दो कुलकर्णी, सच को पहचानो, सच का साथ दो। सच सच तुम्हारे सामने खड़ा है। वो कहां से आया, कौन है, कोई जानता है? पर कुलकर्णी भाऊ से कुछ छुपा नहीं है। वो फरेबी फकीर इसी बड़ी फिराक में है। मैं बार बार तुम लोगों को सावधान करता रहता हूं। जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर बाबा को बंदी क्यों नहीं बना लेते? वाह सरफुद्दीन, वाह, क्या मशवरा दिया सरफुद्दीन, वाह। मुझे आ गया रे, मुझे आ गया।
और तो मैं उस पाखंडी फकीर को बंदी बना के रहूंगा। जो लगाम मैंने डीली छोड़ी थी ना, अब उसे कसने का समय आ गया। चला रे। ए लट्टू, बंदी को कहाँ छोड़ गया है रे? यहाँ क्यों भाग रहा है? भाऊ, बंदी अपने कब्जे में है, पर उन्हें हवाला डालने से पहले मेरी बात सुनो। भाऊ, अगर नट्टू कह रहा है तो एक बार इसकी बात सुन लो। हाँ, बोला। भाऊ, सबके सामने कहने लायक बात नहीं है। सब यही रुकना। पर हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? ये कुलकर्णी भाव का हुक्म है और शिरडी में कुलकर्णी भाव की हुक्म उधुली करने वाले को भैंस की पूंछ में बांध कर गांव की गलियों में घसीटने का रिवाज है, समझे? बाबा ने मुझे गुस्सा ना करने की हिदायत दी, नहीं तो आज इस नट्टू का मैं सर फोड़ डालता। बिंती सा छोकरा कुलकर्णी के शह पर कैसे इतराता है? मुझ पर रहम करना मेरे साईं, बस इन पर मुझे गुस्सा ना आए। आपके शास्त्रों में क्रोध और गुस्से का क्या स्थान है? मैं भला आपको क्या बता सकता हूं देवा, शास्त्र भी आप हैं और पुराण भी आप, विधि भी आप हैं और विधान भी आप। ज्ञान भी आप हैं और विज्ञान भी आप। मैं भला आपको क्या बता पाऊंगा? फिर भी मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि जीवन में क्रोध और गुस्से का क्या स्थान है। क्या शास्त्र कभी क्रोध और गुस्सा करने की आज्ञा देते हैं? क्रोध को विकार माना गया है और शास्त्र क्रोध का त्याग करने की आज्ञा देते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं भगत जी, क्योंकि आपकी बात सच नहीं है। अयोध्यापति श्री राम शास्त्रों के आदर्श हैं, मर्यादा की उपमा है, तब भी श्री राम ने समुद्र पर क्रोधित होकर उसे सुखा डालने के लिए अपना धनुष उठा लिया था। क्यों? इस क्यों का उत्तर मैं क्या दे सकता हूं देवा? इस क्यों का उत्तर केवल हमें ही नहीं बल्कि हम सबको जानना आवश्यक है, क्योंकि इस क्यों से केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी जुड़ा हुआ है। मैं कुछ कहूं देवा? क्योंकि अहंकार में डूबा समुद्र प्रभु श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दे रहा था। ये एक कारण हो सकता है ना, परंतु केवल इस कारण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्याग देने योग्य क्रोध को स्वीकार करें, ये असंभव है। समुद्र देव, देवी लक्ष्मी के पिता और विष्णु अवतार श्री राम के आदरणीय हैं, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन पर धनुष तानकर उन पर क्रोध क्यों किया? देवा, हम तो वही जानते हैं जो हमने इधर उधर से पढ़ा और सुना।
पर आप तो राम हैं और विष्णु भी, समुद्र भी आप हैं और लक्ष्मी भी आप ही। हम अज्ञानियों को अपनी क्रोध लीला का कारण बताओ देवा। किस सोच में डूबे हो देवा? हमें बताओ कि प्रभु श्री राम ने त्याग देने योग्य क्रोध को क्यों किया? महालसा, आज्ञा देवा। श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की, पर जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो श्री राम क्रोधित हो उठे। और उन्होंने लक्ष्मण को धनुष उठा लाने की आज्ञा दे दी। उस समय तुलसीदास जी ने कौन सी चौपाई लिखी थी भगत जी? हरेक को चाहिए कि वो रिश्तों के कच्चे धागे पर प्रीत का लेप लगा लगा कर उसे मजबूत करने की कोशिश करता रहे, क्योंकि बुराई का एक झटका अच्छाई के इस धागे को पल भर में तोड़ डालता है। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। तुलसीदास जी ने कौन सी चौपाई लिखी थी भगत जी? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। भय बिनु होय न प्रीत। ये तो बहुत बड़ी बात है महलसा, बहुत बड़ी घोषणा है ये, बहुत साहस से कहे गए शब्द। इस बात के भीतर बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है। कैसा संदेश देवा? देवा, आप तो रहस्यों के भी रहस्य हैं। आप ही बताइए, इस चौपाई के भीतर कौन सा संदेश छुपा है? इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हो साईं। प्रीत में भय, अर्थात प्यार में डर, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। ये तो सही बात है देवा। प्रीत में तो पर्दा भी नहीं होता, तभी तो कहा गया है, जहां प्रीत तहां पर्दा नाही, जहां पर्दा तहां प्रीत नाही। और श्री राम भय के बिना प्रेम को असंभव कह रहे हैं। श्री राम किस भय की ओर संकेत कर रहे हैं मालसा? मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि मैंने जो पढ़ा उतना ही जाना, पर आप तो इसे जिए हैं देवा। आप ही बताइए ना कि आपने समुद्र पर क्रोध क्यों किया मेरे राम? मुझे श्री राम ना बनाओ महलसा। मैं कुछ बना नहीं रहा हूं देवा, साक्षात अपने राम श्याम के दर्शन आप में कर रहा हूं। आप ही बताइए देवा। मेरी बात ध्यान से सुनो महलसा, तुम भी सुनो नाना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हर इंसान को चाहिए कि वो इस बात और इसके पीछे छुपे संदेश को अपने जीवन में गांठ बांध कर रख ले। प्रीत के रिश्ते चाहे हमारे जन्म से
कुल से, गोत्र से या फिर धर्म और मित्रता से ही क्यों ना स्थापित हुए हों, उनकी डोर बहुत ही कच्ची होती है। हरेक को चाहिए कि वो रिश्तों के कच्चे धागे पर प्रीत का लेप लगा लगा कर उसे मजबूत करने की कोशिश करता रहे, क्योंकि बुराई का एक झटका अच्छाई के इस धागे को पल भर में तोड़ डालता है और रिश्तों में हमेशा हमेशा के लिए गांठ पड़ जाती है। इसलिए इनको सावधानी पूर्वक सहेजना और संभालना चाहिए। फिर चाहे वो रिश्ता पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो अथवा मित्र का ही क्यों ना हो। ये तो आपने बहुत अच्छी बात सिखाई देवा। जीवन में इस बात की हम सबको बहुत जरूरत है साईं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो कभी किसी से कोई मन मुटाव नहीं होगा। श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र देव के सामने बैठकर विनय प्रार्थना की। वे जानते थे कि समुद्र देव उनके कुल में बड़े और आदरणीय हैं। श्री राम अपने कुल के बड़ों से मधुर संबंध बनाए रखना चाहते थे, जबकि उनके अनुज लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे। हाँ देवा, लक्ष्मण लाल ने तो पहले ही कहा था कि भैया आप अपने मन के भीतर क्रोध लाकर समुद्र को सुखा डालिए, देव देव तो आलसी पुकारते हैं। पर तब श्री राम ने लक्ष्मण लाल की प्रार्थना नहीं सुनी। वे समुद्र के सामने 3 दिनों तक हाथ जोड़कर खड़े रहे, पर समुद्र अपनी जिद पर अड़ा था। समुद्र को सोख डालने के लिए क्रोधित श्री राम ने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ा दिया, जिससे भयभीत समुद्र भय से थर थर कांपते हुए ढेर सारे उपहार लेकर श्री राम की सेवा में उपस्थित हो गया और श्री राम से शांति की विनय प्रार्थना करने लगा। पर देवा, श्री राम तो त्रिकालदर्शी थे, वे सब जानते थे कि क्या होने वाला है, फिर उन्होंने प्रार्थना में 3 दिन बर्बाद क्यों किए। कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, पर तुम्हारे कुलकर्णी भाव जैसा क्रोध नहीं। अब तक नट्टू आया क्यों नहीं छोड़ा, कहाँ अटक गया? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। फिर उन्होंने प्रार्थना में 3 दिन बर्बाद क्यों किए? क्योंकि श्री राम रिश्तों की मर्यादा को भली भांति जानते थे, वे प्रेम का अर्थ समझते थे, वे प्रीत के कच्चे धागों को सहजना और संभालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने समुद्र देव के साथ अपने रिश्तों के कच्चे धागे को मजबूत करने की बहुत कोशिश की, पर जब समुद्र देव नहीं माने तब श्री राम ने कहा, भय बिन होए न प्रीत। पर श्री राम के ये शब्द समुद्र देव के लिए नहीं, सारे संसार के लिए हैं। मैं कुछ समझा नहीं देवा। रिश्तों के टूट जाने का डर, संबंधों के बिखर जाने का भय और अपनों के दूर चले जाने की चिंता प्रेम करने वालों के मन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। रिश्तों को संभालने की कोशिश कमजोर हुई नहीं कि बुराई की दीमक उसे चट कर डालती है। इसलिए
सच्चे प्रेम को पाने के लिए मन के भीतर इस बात का भय हमेशा बना रहना चाहिए कि कहीं हमारे किसी भूल से हमारा सच्चा प्रेम बिखर ना जाए, टूट ना जाए। और ये भय किसी एक पक्ष में नहीं, दोनों पक्षों में जब एक समान हो जाएगा तब सच्ची प्रीति का उदय होगा, विश्वास की लौ जगमगा उठेगी और प्रीति का कच्चा धागा इतना मजबूत हो जाएगा कि बुराई का बड़े से बड़ा आघात भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। न जाने कौन से पुण्य किए होंगे कि मुझ पापी पामर को आपके चरणों की शरण मिली देवा। आज आपने एक अद्भुत ज्ञान दिया देवा, सच्ची प्रीत में भय का इतना बड़ा स्थान हो सकता है, ये आज ही मेरी समझ में आया देवा। आपने उचित समय पर मेरा मार्गदर्शन किया देवा, इस चौपाई के संदेश को समझने की मुझे बहुत आवश्यकता थी। उठो भगत जी, इस बात का निर्णय तो भविष्य करेगा कि आपने इस संदेश का कैसे और कहां उपयोग किया। और तुम क्या समझे नाना? अधिक तो नहीं, पर इतना अवश्य समझा कि जीवन में कभी कभी क्रोध भी आवश्यक है। क्रोध तो अनावश्यक है नाना, पर कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पर तुम्हारे कुलकर्णी भाव जैसा क्रोध नहीं। वैसे क्रोध को तो त्याग देना ही बेहतर है। अब तक नट्टू आया क्यों नहीं छुपा रहा? कहाँ अटक गया? हाँ वो भाऊ, तुम हमें हमेशा छोटा सिक्का समझते हो, पर नटवर लाल उफ नटू नाम का ये छोटा सिक्का बहुत काम का है। काम बिगाड़ के आया होगा, और अब कुलकर्णी भाऊ के हाथों पिटाई ना हो जाए इसलिए भूमिका बना रहा है तू। नटवर लाल उर्फ नटू नाम है मेरा, जिस बिगड़े काम में हाथ डालता हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। किसे बता रहा है तू? तेरे बिगड़े हुए कामों की फहरिस्त गिनवाऊं क्या? तू गिनवाएगा छबूरा, तू अपनी बता। कुलकर्णी भाऊ जो काम कहते हैं उसका बेड़ा गर्क करता है। तुमने कभी सोचा है कि फिरंगियों का मुंह ना लाल क्यों होता है? फिरंगी इंसानी मांस को नोच नोच कर खाता है और इंसानी खून को चाट चाट कर पीता है। इंसानी खून पीने की वजह से उनका मुंह लाल हो जाता है। हम तुम्हें इस जमीन का सौदा करने की आज्ञा देते हैं। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर नहीं है चांद। आरती श्री साईं गुरु बर की, आरती श्री साईं गुरु बर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।